भगवान महावीर जीव हिंसा के विरोधी थे। वे मानते थे कि वृक्षों में भी प्राण हैं। जीवन को पवित्र, सच्चरित्र और सुखी बनाने के लिए उन्होंने 5 महाव्रत बतलाए: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 महाव्रतों के रूप में अपने जीवन की साधना का क्रम उन्होंने प्रारंभ किया। साधना काल में जो लगभग 12.5 वर्ष का था, उन्होंने लंबी लंबी तपस्याएं की। कभी कभी तो 6-6 महीने तक वे निर्जल रूप में, निरन्न और निर्जल रूप में तपस्या करते रहे। इसी के साथ उन्होंने ध्यान और कायोत्सर्ग की विशेष तपस्याएं की। वे पूरी पूरी रात खड़े होकर कायोत्सर्ग और ध्यान करते थे। उन्होंने माना आत्म साधना के लिए, आत्म शुद्धि के लिए ध्यान और तप से बढ़कर और कोई मार्ग नहीं है। ध्यान और तप के साथ अहिंसा, संयम, अपरिग्रह, ये सारे उनकी साधना के प्रमुख अंग थे। भगवान महावीर का जीवन यदि हम देखें तो उनके जीवन के मुख्य 2 पक्ष हैं। एक है उनका विचार पक्ष और दूसरा है उनका आचार पक्ष। विचार पक्ष से यदि हम उन्हें देखें तो विचारों में उनकी बड़ी उदात्तता थी, विचार उनके सम्यक दृष्टिकोण वाले थे, और आचार पक्ष भगवान महावीर का बड़ा कठिन था। और इस आचार पक्ष ने ही उन्होंने आचार पक्ष से ही उन्होंने अपने जीवन के अंदर आत्मा से परमात्मा की यात्रा कर ली। जीवो और जीने दो का संदेश देते हुए भगवान ने ये बताया कि हर मनुष्य के लिए जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें बाह्य जीवन के लिए जैसे जरूरी हैं, ऐसे उसके आंतरिक जीवन के लिए भी 3 सिद्धांतों का होना जरूरी है। और वो 3 मुख्य सिद्धांत भगवान ने बताए: अहिंसा का सिद्धांत, अपरिग्रह का सिद्धांत और कर्मवाद का सिद्धांत। भगवान महावीर ने कहा, मेरी या किसी की बात तब तक ना मानो जब तक वो तर्क की कसौटी पर खरी ना उतरे। मैं जो कहती हूँ वह सत्य नहीं, जो सत्य है वो मेरा है। मदियम सत्यम नहीं, सत्यम मदियम, जो सत्य है वो मेरा है। चाहे वो सत्य किसी भी धर्म का क्यों ना हो, चाहे वो सत्य किसी शत्रु पक्ष का क्यों ना हो, चाहे वो सत्य किसी छोटे व्यक्ति का क्यों ना हो, लेकिन यदि उसमें सत्य है तो वो सत्य मेरे लिए ग्राह्य है। और इसीलिए सत्याचरण शब्द बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि सत्य का आचरण हम करें। और सत्य का आचरण तभी हो पाएगा जब हम आग्रह बुद्धि को छोड़ेंगे, माइट इज राइट को छोड़ेंगे और राइट इज माइट को अपने जीवन में धारण करेंगे। यदि इस प्रकार राइट इज माइट की फॉर्मूला जीवन में आ जाती है तो समझ लेना कि जीवन हमारा तीर्थ हो गया है। हम जीने जाते तो सब जगत के प्राणी मात्र भी जीने जाते, तो जीने और जीने दो। हम जीने जाते हैं ऐसे तो सब प्राणी जीने जाते हैं, तो जीवन देना ये बहुत बड़ा धर्म है। ये बड़ा धर्म अंगीकार करके हमारा जीवन का उद्धार करें। भगवान महावीर स्वामी के दिए गए आदर्शों के अनुसार यदि हम आचार में अहिंसा, विचार में अनेकांतवाद एवं व्यवहार में अपरिग्रह को यदि अपना लें तो निश्चित ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। भगवान महावीर ने कहा, आत्म शुद्धि के लिए केवल उपासना, देव दर्शन, शास्त्र, गुरुओं की वाणी या आरती से कल्याण संभव नहीं है। आत्म शुद्धि के उपाय स्वयं प्राप्त करने होंगे। सबसे पहले तो राष्ट्र धर्म हमें पालन करे, फिर समाज धर्म पालन करे और फिर आत्म धर्म। हमारा आत्मा है, हम कौन है, मैं कौन हूं, कहां से आया, क्या कर रहा हूं, क्या होगा आगे चल के भविष्य मेरा, इस तरह से प्रतिनिधि प्रातःकाल चिंतन करें। और हम हर पड़ोसियों को अहिंसा रूप में देखें, उसके साथ अहिंसक व्यवहार करें। मन में बिल्कुल हिंसा नहीं लाए, प्राणी को मारना ही हिंसा नहीं है, मन में किसी के प्रति दुर्भावना लाना भी हिंसा है।
और सद्भावना लाना ही अहिंसा है। हम सद्भावना प्राणी मात्र के जगत के लिए रखें, सुखी रहे सब जीव जगत के, ये भाव हमारे मन में सतत वास करे, तभी हम इस संसार के अंदर से दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। परस्पर गुरु जीवानाम, यदि हम दूसरे की सुख सुविधाओं का ख्याल करेंगे तो दूसरा हमारे सुख सुविधा का जरूर ख्याल करेगा। आज हम दूसरे के वैभव को देख करके जले जा रहे हैं, दूसरे की सुख सुविधाओं को देख करके ईर्ष्या की भट्टी में रोज तले जा रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा आप सभी से कि दूसरे के बाबत बुरा सोचने से क्या हमारा अच्छा हो सकता है? मनोविज्ञान कहता है यदि हम दूसरे के विषय में अच्छा सोचते हैं तो हमारी वैचारिक तरंगें उठेगी और हमारा दुश्मन भी मित्र बनने के लिए तैयार हो जाता है। तब हम क्यों ना सामने वाले व्यक्ति के विषय में अच्छा सोचें। भगवान महावीर ने मनुष्य के भीतर बैठी आत्मा को पवित्र करने पर बल दिया। उन्होंने कहा आत्मा ही परमात्मा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैन रिलीजन हैज अ वेरी गुड अप्रोच टू द प्रॉब्लम ऑफ हाउ वी शुड ट्रीट अदर ह्यूमन बीइंग्स एंड आल्सो ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स। आई थिंक दैट ऑल मेंबर्स ऑफ ऑल अदर कम्युनिटीज एंड ऑल अदर रिलीजंस शुड टेक अ लेसन फ्रॉम द रिलीजन ऑफ लॉर्ड महावीर। उन्होंने करुणा की बात कही, उन्होंने अनेकांत और सहिष्णुता की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी और व्यक्ति को कष्ट पहुंचाते हैं तो याद रखिए कि हो सकता है कि वह कष्ट आपको भी मिलेगा। उन्होंने एक ऐसे कर्मवाद को जन्म दिया कि जो अंधा कर्मवाद नहीं था, असहाय कर्मवाद नहीं था, बल्कि मनुष्य की प्रशस्ति का कर्मवाद था। भगवान महावीर ने अहिंसा की जो बुनियाद रखी उसके प्रतीक अनेक जैन तीर्थ स्थल हैं जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं बल्कि शिल्प कला के भी बेजोड़ नमूने हैं। कला की दृष्टि से जो सुंदरतम मंदिर हैं दिलवाड़ा के, शत्रुंजय के, गिरनार के, वो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और वो लगभग 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी में बनाए गए हैं और कला की पराकाष्ठा उस पर आप देख सकते हैं। इसके साथ जो है जैनों का गुहा शिल्प भी है और उसकी दृष्टि से एलोरा जैन कला का, जैन चित्रों का, जैन मानस्तंभों का और जैन मंडपों का बड़ा उतना ही सुंदर है जितना हमको कला में हो कैलाश का मंदिर मिलता है या बौद्धों की विश्वकर्मा गुफा मिलती है नंबर 10। तो कला एक ढंग से एक सिरे से चलती है, पहले बौद्ध होती है, फिर हमको वहाँ शैव मंदिर मिलते हैं और दूसरे छोर में जैन मंदिर मिलते हैं जिसमें मातंग और सिद्धायिका की सुंदर मूर्तियाँ हैं, जैनों के कलापूर्ण चित्र बने हैं और अनेक तीर्थंकर और यक्षी प्रतिमाएं हमको वहाँ मिलती हैं। भगवान महावीर के अहिंसा के जादू को विश्व ने देखा, जाना और पहचाना। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में देश की आजादी के लिए अहिंसा का प्रयोग किया और देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ। भगवान महावीर ने अनेकांत के माध्यम से सहिष्णुता का संदेश दिया जो आज के संसार के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। अहिंसा के माध्यम से उन्होंने जो संदेश दिया वह
एक तरह से शांति का मंत्र है, भारतवर्ष में ही नहीं अन्यत्र सब देशों में, पूरे संसार में अहिंसा के माध्यम से अराजकता को समाप्त किया जा सकता है, उपद्रव को और हिंसा को समाप्त किया जा सकता है, मनुष्य की मानसिकता को बदला जा सकता है, और अहिंसा के उस श्रेष्ठ स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए हमें हमारे देश में गांधी जी जैसा युग पुरुष मिला। गांधी जी ने उस अहिंसा और अनेकांत को एक नए रूप से प्रस्तुत किया, एक नई प्रशस्ति उन्होंने दी, और आज वही अहिंसा और अनेकांत, वही करुणा और समत्व की भावना, सम्यकत्व की भावना, ज्ञान दर्शन और चारित्र के समन्वय की भावना भगवान महावीर के जीवन के संदेश के रूप में हमारे जीवन को अनुप्राणित करती है। भगवान महावीर के देश में, भगवान बुद्ध के देश में, महात्मा गांधी के देश में, सम्राट अशोक के देश में आज हम देख रहे हैं कि चारों ओर हिंसा भड़कती चली जा रही। इसलिए मैं मानता हूँ कि इस जन्मदिन के ऊपर केवल भगवान महावीर की प्रशंसा करना पर्याप्त नहीं है, हमें अपने दिल के अंदर टटोलना है और देखना है कि वहाँ हिंसा क्यों उत्पन्न होती है। और जब तक हम अपने भीतर अहिंसा की स्थापना नहीं करेंगे, जब तक हमारे मन में, हमारी चेतना में अहिंसा नहीं आएगी, तब तक हमारे व्यवहार में नहीं आ सकती। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि भगवान महावीर को होगी यदि हम हिंसा जो भड़क रही है चारों ओर इस पथ को त्याग कर और अहिंसा के पथ के ऊपर आ